आपण देखुथिले चित्र पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आसंता कालीर हबाक जाउथबा मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह पई निमंत्रण करिवा पई पहुंचीथिले राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल दिव्यज्योति महांति लाइव जोड़ी होती संक्रांत आलोचना करने आम चीफ रिपोर्टर दिव्यज्योति आसंता कालीर बीजेपी शपथ ग्रहण समारोह पई पूर्वतन मुख्यमंत्री जे नवीन पटनायक रही निमंत्रण करने पहुंचीथिले मनमोहन सामल एका थिले आमे तांकु साधारण निमंत्रण कलु आसंता काली जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम अच्छी आ मुख्यमंत्री अच्छा बात है बोली कहले से निश्चय आसब बोले एवं से भी खुशी हेले निमंत्रण कलापुर निश्चय शुभेच्छा जनइले एवं निश्चय आसबी बोली कहले अच्छा बात से कहले अच्छा बात है अच्छी बात है बोल कहले हिंदी कथा आ निश्चय तांकु नाम पार्टी तरफ आम निमंत्रण करिछे से खुशी हेले ना कहीं उपस्थित नथिले निश्चय समस्त को निमंत्रण करा हबो नहीं नथिले निश्चित भाव में सीधा सड़क भिजुआल आप देखुले रश्मि जो भाव बीजेपी विधायक एवं राज्य सभापति समस्ते पहुँचते बीजेडी सुप्रीमो को निमंत्रण दि जा निहाती भाव में पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक निमंत्रण दि जामंत्रण दिज्व कारण बीजेपी इतिहास रचिश 25 वर्षर गोटे स्थिर सरकार हटी राज्य में बीजेपी प्रथम थर भाव बीजेपी मुख्यमंत्री निर्वाचन जितवा पर प्रथम मुख्यमंत्री भाव में शपथ नापी जाऊपी दिव्यज्योति बीजेपी रो राज्य सभापति मनमोहन सामल जहाँ सूचना देउथिले जे प्रथमे जगन्नाथ को जो निमंत्रण कार्ड जाइछि आज्ञामाल नेकरि आसिबे सेठु एवं तापरे आपण देखिबे बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक को तांको बासभवन रे बा नवीन निवास रे भेटी निमंत्रण दिया जाइछि एवं कांग्रेस रो जे सभापति रहिछन्ति तांको मध्ये निमंत्रण पत्र दिया जाइछि ए भली देखिबे तमाम नेतृवृंद अतिथिवृंद समस्त दिखाई विशेष करी जो माने आईएएस आईपीएस ओडिशा कैडर जाई बाहर काम कर साधु सन्त मानक डक जो माने भाषाविद रही जो माने साहित्य सृजनी रुचि रखती जो माने बेस जनाशुना व्यक्ति विशेष रही निमंत्रण कराई यही समाज विभिन्न वर्गर सबु वर्ग आप देखु साधु सन्तु नहीं समाज शेष स्तर में थोड़ा लोक सबु वर्ग को प्राधान्य दि जा समस्त को यही शपथ समारोह निमंत्रण कर समस्त को सामिल करा सभापति कहते जे कौन सी एमती वर्ग नहांती जहाँ को यही निमंत्रण पत्र जीव ना यही शपथ समारोह सामिल करना सबुठ बड़ कथा होते नवीन निवास पहुँचले बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल विधायक नित्यानंद गंड सहित आप देखिए जो अन्य तमाम नेतृवृंद मान थे समस्ते आज से कथा कहते नवीन निवास पहुँचा पर नवीन पटनायक सहित आलोचना कले से राजी होती शपथ ग्रहण समारोह में सामिल होगापी सब बड़ कथा जे नवीन पटनायक प्रतिश्रुति से सामिल हे ये शपथ ग्रहण समारोह ता सहित बीजेडी अन्य विधायक अन्य नेतृवृंद मानक ए सामिल होगापी निमंत्रण होती आप देखिपे जड़े पर जड़े नेतृवृंद बर्तमान बाहर राज्य सभापति बाहर जा नवीन निवास वर्तमान नित्यानंद गंड बाहर यापर सीधा सड़क अन्य जो नेतृवृंद मैंने अच्छा बीजेडी से निमंत्रण पत्र जीव से शपथ समारोह में सामिल कर पहुँचे बीजेपी विधायक मैंने जाकर निमंत्रण पत्र देवे और शपथ ग्रहण समारोह सामिल होगापी निमंत्रित करेंगे ये हूँ आप देखिए गणतंत्र गोटे कहीपर निरा परंपरा जो विरोधी शासक समस्त एकाठी होकर गोटे जो यही शपथ ग्रहण समारोह सामिल होती गोटे निरा परंपरा आम कहीपर गोटे भल परंपरा आम कहीपर आप सीधा विचार देखते समस्ते यही बाहरी जाती किस समय भितर राज्य कार्यालय पहुँचे सेठू टीम करा जीव क्यों टीम कहाँ पाखे क्यों विधायक क्यों
ଅପୋଜିସନ୍ ପାଖକୁ ଯିବେ, କିଏ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, କିଏ କଂଗ୍ରେସର ଅନ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ପାଖକୁ ଯିବେ, କିଏ ବିଜେଡ଼ିର ନେତୃବୃନ୍ଦ ପାଖକୁ ଯିବେ, ସେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଯେମିତି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ପହଞ୍ଚିବ, କାଲି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଯେମିତି ଯୋଗଦାନ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ଆସି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ସାମିଲ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯିବ। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ପଠାଯାଇଛି। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ କହିପାରିବା, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚରଣଠୁ ନେଇକରି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ଏଭଳି ତମାମ ନେତୃବୃନ୍ଦମାନେ ସେମାନେ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭଳି କିଛି ନେତୃତ୍ୱ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ପରେ ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତିଠୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦିଆଗଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ IAS IPS ଅଫିସରମାନେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡ଼ର ବାହାରେ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦିଆଯିବ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି କହିସାରିଛନ୍ତି। ତ ସେ ବିଜେପିର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଲାଗି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡରର IAS IPS ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦପଦବୀରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ନେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିପାରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।